A very happy morning to all of you, class 8. Today we are starting with our new chapter. Okay, so before is moving further, I want you just to remember a question in CCT that we have discussed in the 7th standard of Seema, a taxi driver. Okay, I hope you all remember that question. In that question, I have explained you basically the role of equation. Okay, and I have told you that it was linear equation. Okay, आपने equation बनाई थी उसका fare निकालने के लिए, taxi का fare निकालने के लिए, है ना? So, in your previous standard, you have been through algebraic expressions and equation. Okay, आपने इस तरह की expressions देखे थे, like 2x plus 5, 3x minus 1, x plus 7, ठीक है ना? ऐसे आपके पास टर्म्स थे, एक्सप्रेशंस थे, विच यू वर कॉल्ड द एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन. बेसिकली एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस क्या थे? द एक्सप्रेशंस दैट आर कंटेनिंग वेरिएबल्स एंड कॉन्स्टेंट्स, ओके, एंड हैविंग मैथमेटिकल ऑपरेशंस इन देम. जो मैथमेटिकल ऑपरेशंस हैं, फोर ऑपरेशंस, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन, डिविजन, ये चार ऑपरेशंस के साथ जब वेरिएबल्स एंड कॉन्स्टेंट्स इन्वॉल्व होते हैं और इस तरह की फॉर्म बनाते हैं, दीज आर कॉल्ड एज एल्जेब्रिक, because these are containing the algebra, okay, and expression, algebraic expression, these are called as algebraic expression. Now equation, when these algebraic expressions are written with an equality sign, jab hum in algebraic expression ko kisi equality sign ke sath likhte hain, then these algebraic expressions get converted into equations. Like agar aap aise likhe 5x is equals to 25, ओके, तो when you write it with the equality sign, तो ये आपका 5 और x, यहाँ पर 5x जो है 5 की x के साथ multiply, और ये 5 is constant, x is variable, और आपने coefficients भी पढ़े थे in 7th standard, है ना? तो यहाँ पर आपका coefficient, x का coefficient क्या है? 5, है ना? और 5 और x की multiplication है. This expression is written with equality sign. ये आपका monomial expression है ना? एक term containing है, तो ये इक्वलिटी साइन के साथ लिखा हुआ है, देन दिस इज कन्वर्टेड इनटू इक्वेशन. तो ये आपकी इक्वेशन बन जाती है. नाउ जो हम अभी बात करने वाले हैं, दीज आर द बेसिक थिंग्स दैट यू हैव लर्न फ्रॉम द प्रीवियस क्लासेस, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन एंड इक्वेशंस. जो आप अभी इसमें और आगे फर्दर सीखने वाले हैं, दैट इज योर लीनियर इक्वेशंस, लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल स्पेसिफिकली. Okay, this is your chapter 2, linear equation in one variable. Now you will learn about linear equation kehne ka matlab kya hai. So equations can be linear, can be quadratic, can be cubic. To aap wo higher standards mein sikhenge, hai na? The basic starting is from linear equation. Okay, and you are dealing with one variable only. There can be many variables. टू वेरिएबल भी हो सकते हैं, थ्री वेरिएबल्स भी हो सकते हैं, दैट वुड कम इन योर हाई स्टैंडर्ड. नाउ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल अगर देखें, अब लीनियर इक्वेशन से पहले अगर लीनियर एक्सप्रेशंस की बात करें, तो जो आपको एक्सप्रेशन इस फॉर्म के दिख रहे हैं, ठीक है, दिस दीज आर ऑल लीनियर एक्सप्रेशंस, ठीक है ना? जो एक्सप्रेशंस आपको इस टाइप के दिख रहे हैं, दीज आर ऑल लीनियर एक्सप्रेशन. जब आप इनको इक्वेशन के साथ विद इक्वल्स टू लिख रहे हैं, मीन्स आपने लिखा 2x माइनस 3 इज इक्वल्स टू 10, ओके, या आपने एक इक्वेशन फॉर्म की 2y प्लस 5y2 इज इक्वल्स टू 37, इस टाइप से अगर आपने इक्वेशन फॉर्म की, सो दीज बिकम्स द लीनियर इक्वेशन. लीनियर इक्वेशन क्यों होती हैं ये? क्योंकि यहाँ पर द पावर ऑफ वेरिएबल इज 1, ठीक है. अगर आपके पास एक्सप्रेशन इस टाइप के हों, एक्सप्रेशंस लाइक एक्स स्क्वायर प्लस 2, 3x स्क्वायर प्लस 5, ओके, 2x स्क्वायर माइनस 7, दीज टाइप ऑफ एक्सप्रेशन आर नॉट लीनियर because the power of variable is
पावर ऑफ वेरिएबल इज 2, ठीक है ना। इट मीन्स कि आपका एक्सप्रेशन लीनियर है या नहीं, इक्वेशन लीनियर है या नहीं, ये आपको पता चलता है विद द हेल्प ऑफ पावर ऑफ वेरिएबल। इफ़ द पावर ऑफ वेरिएबल इज 1, देन इट इज़ कॉल्ड एज लीनियर इक्वेशन। इट मीन्स अगर लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल की डेफिनेशन देखें हम, the equations, which contain the equations which contain only one variable and the power of variable present, जो आपका variable है equation में, वेरिएबल इज 1, देन द इक्वेशन इज कॉल्ड एज लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। ओके, दिस इज़ द लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। एग्जाम्पल, 2x-5 इज इक्वल्स टू 15। ओके, दिस इज़ योर वेरिएबल। ओके, दिस इज़ योर साइन ऑफ इक्वालिटी। एंड आपको इक्वेशंस को सॉल्व करना आपने थोड़ा सीखा था इन प्रीवियस स्टैंडर्ड ऑल्सो, और यू आर वेली वेरी वेल नोन विद द टर्म। दिस इज़ द टर्म्स दैट आर प्रेजेंट ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द इक्वालिटी आर कॉल्ड एज LHS, लेफ्ट हैंड साइड, एंड दिस इज योर RHS। ओके, आई टोल्ड यू अर्लियर ऑल्सो। सो दिस इज़ द बेसिकली लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। सो दिस इज़ द इंट्रोडक्शन ऑफ योर लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। नाउ मूविंग टूवर्ड द सॉल्विंग इक्वेशंस विच हैव लीनियर एक्सप्रेशन ऑन वन साइड एंड नंबर ऑन द अदर साइड। तो हम सॉल्यूशन देखेंगे लीनियर इक्वेशन का, दैट हाउ डू वी सॉल्व दीज लीनियर इक्वेशंस। सो सॉल्विंग लीनियर इक्वेशन इज जस्ट वी विल अंडरस्टैंड बाय टेकिंग एन एग्जांपल। सो देयर कैन बी रैशनल नंबर्स ऑल्सो ऑन द साइड ऑफ नंबर, देयर कैन बी रैशनल नंबर्स बिकॉज यू हैव बीन थ्रू द रैशनल नंबर्स वेरी मच एंड यू हैव नोन द एडिशन सब्ट्रैक्शन ऑफ रैशनल नंबर्स एंड अदर ऑपरेशंस एज वेल। सो taking just an simple example, 2x-3 is equals to 7, okay? Find the solution of above equation. This is the question. Okay, talking about solution, you know that I forgot to tell you this time. Talking about the solution, solution is what? Solution is the value of variable, है ना, दैट विल सेटिस्फाई द इक्वेशन। जो LHS इक्वल्स टू RHS बना दे वो वैल्यू वेरिएबल की, मतलब आप लिख भी सकते हैं सॉल्यूशन होता क्या है, सॉल्यूशन ऑफ एन इक्वेशन, किसी इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या होता है, इज द सॉल्यूशन ऑफ एन इक्वेशन इज द वैल्यू ऑफ वेरिएबल प्रेजेंट, वैल्यू ऑफ वेरिएबल present in equation, value of variable present in equation that satisfies the equation, जो equation को satisfy कर दे, satisfies the equation means LHS equals to RHS कर दे, that is makes LHS equals to RHS, ठीक है ना। solution equation का वही होगा ना, जैसे अगर हम एक equation लें 2x is equals to 10, ओके, सिंपल इक्वेशन 2x is equals to 10, तो x की क्या वैल्यू पुट करूं कि ये साइड LHS equals to RHS हो जाए, तो पुट x is equals to 5, है ना, 5 पुट करने के बाद ये क्या हो जाएगा, आपका LHS क्या हो जाएगा, 10, 2 5 is 10, और RHS आपका है क्या, ऑलरेडी 10 है,
ठीक है. सो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन. नाउ सॉल्विंग लीनियर इक्वेशन इज व्हाट? सॉल्विंग लीनियर इक्वेशन इज फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ वेरिएबल दैट विल सेटिस्फाई द इक्वेशन. इट मींस सेटिस्फाई द इक्वेशन कहने का मतलब ये कि जो ये इक्वलिटी साइन है ना, इसके इधर का पार्ट, लेफ्ट साइड का पार्ट, राइट साइड का पार्ट, दोनों इक्वल होने चाहिए, बराबर होने चाहिए. देयर मस्ट नॉट बी एनी इम्बैलेंस. ठीक है, दीज मस्ट बी बैलेंस्ड ऑल टाइम. सो वो वैल्यू आपको वेरिएबल की निकालनी है. सो सॉल्विंग द एग्जाम्पल, यू हैव 2x-3 इज इक्वल्स टू 7. ओके, तो आपका स्टेप वन, फर्स्ट स्टेप क्या रहेगा? मीन्स आपको ना इक्वल्स टू इक्वल रहना है. आपको इधर की वैल्यू दोनों बैलेंस्ड रखनी है. बैलेंस डिस्टर्ब ना होते हुए आपको ऑपरेशंस करने हैं. नाउ यहाँ पर माइनस थ्री है ना. अगर मैं ऐड 3 ऑन बोथ साइड, अब मैं जो कुछ भी करूँगी इक्वेशन में वो मुझे दोनों साइड करना है. इट इज़ वेरी कंपल्सरी. ठीक है ना, ये ही ध्यान रखने वाली बात है कि जो भी मैं इक्वेशन में करूँगी वो मुझे दोनों साइड करना है, तभी उससे बैलेंस जो है वो डिस्टर्ब नहीं होगा. लाइक आपने एक वेइंग बैलेंस देखा है ना, दैट मशीन, दैट इक्विपमेंट टू वेट द थिंग्स. जैसे कोई शॉपकीपर या कोई वेजिटेबल डीलर, जिसको यूज़ करता है. ओके, तो उसमें आपने देखा है कि बैलेंस करने के लिए क्या, अगर वो एक तरफ 2 kg वेट रखेगा तो दूसरी साइड 2 kg पोटैटोज ही उसको करने पड़ेंगे ना, तभी बैलेंस रहेगा ना. लाइकवाइज दिस इज जस्ट लाइक दैट बैलेंसिंग सिचुएशन. ओके, तो आपने क्या किया, एड 3 ऑन बोथ साइड, 2x-3, सो यू एडेड 3+3. ओके, एंड इधर आपका 7 था ही, आपने एक्स्ट्रा जो आप कर रहे हैं दैट इज़ योर एडिंग 3, कर दिया 3 ऐड. नाउ आपका क्या हो जाएगा, ये दिस विल बी, इट इम्प्लाइज ये आपका अब +3 -3 ये 0 हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो कितना बचेगा, सिर्फ 2x = और इधर क्या हो जाएगा 10. ठीक है, बैलेंस रहा. अब उसके बाद आपके पास यहाँ पर 2 है x के साथ, हमें x की वैल्यू चाहिए ना, हमें x = चाहिए कि क्या आएगा. तो 2x के साथ मल्टीप्लीकेशन में है. स्टेप 2 में आप क्या करेंगे, डिवाइड बाय 2 ऑन बोथ साइड्स. ठीक है, तो आप क्या करेंगे, अब 2x = 10 है ना, तो आपने 2 से डिवाइड कर दिया दोनों साइड. ठीक है, तो आपका क्या होगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और ये आपका 2 × 5 = 10. सो x = 5. तो आपका क्या आ गया, ये आपका आ गया x की वैल्यू आ गई. नाउ यू कम अप टू द x इज वॉट. ठीक है ना, x क्या है वो आपको पता चल गया, x की वैल्यू 5 पता चल गई. इट मींस x = 5 जो है वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा. और अगर आप वेरीफाई करना चाहते हैं तो आप x = 5 इधर पुट करके देखिए, अगर LHS = RHS आ जाता है देन योर सॉल्यूशन इज करेक्ट. इक्वेशन सॉल्व करने का सबसे बड़ा बेनिफिट यही है दैट वेन यू फाइंड द सॉल्यूशन फॉर एन इक्वेशन एंड यू फाइंड द वैल्यू ऑफ एन वेरिएबल, तो आप उस वेरिएबल की वैल्यू जो आपकी क्वेश्चन का इक्वेशन है, जो एग्जैक्ट आपकी इक्वेशन जिसको आप सॉल्व कर रहे हैं उसमें आप पुट करके देख लीजिए, अगर वो उसको सेटिस्फाई कर गया देन योर सॉल्यूशन इज वेरी मच करेक्ट. तो आप वेरिफिकेशन भी सॉल्यूशन का साथ के साथ कर सकते हैं व्हाइल डीलिंग विद द इक्वेशन. सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज क्लास. सो यू मस्ट बी, आई मस्ट गिविंग यू एन एग्जाम्पल, आप इसको ट्राई करके देखेंगे, ट्राई दिस सॉल्विंग बाय फॉलोइंग द स्टेप्स. ओके, x/3 + 5/2 = -3/2. इसको सॉल्व करके देखेंगे, इसका सॉल्यूशन निकालेंगे एंड जैसे ऊपर स्टेप बाय स्टेप किया वैसे ही करके देखेंगे. दिस इज़ द बेसिकली द रियल वे ऑफ डूइंग. ठीक है, जो हम शॉर्ट में करते हैं कि इक्वल्स टू के इधर ट्रांसपोज कर देना है ना, इट मीन्स इधर मल्टीप्लीकेशन में है इक्वल्स टू के लेफ्ट साइड तो आप राइट साइड उसको डिवीजन में ले जाते हैं, दिस इज़ व्हाट कॉल्ड ट्रांसपोजिंग. वो हम इसलिए करते हैं लाइक हमारा टाइम सेव हो, ठीक है, और हम फास्ट कर सकें. बट द लॉजिक बिहाइंड दैट इज़ ओनली दिस वन. ओके ओके, थैंक यू क्लास, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियोज एंड लाइकिंग. प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड जस्ट वॉच द वीडियोज़ वेरी केयरफुली. ओके.